नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भीम प्रजापति। आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरे मित्र, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं मोस्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें कुछ नेशनल पार्क और उद्यान हैं, प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल है, जीके ट्रिक है जो सार्क संगठन सम्मिलित देश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गेहूं उत्पादन के ट्रिक हैं। ये जितने भी मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन, सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मतलब आपका अभ्यारण्य कहाँ है और किस राज्य में, हम इतना ही इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। हर टॉपिक, हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं तो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरे मित्रों, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, शहडोल में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, शिवपुरी नेशनल पार्क। शिवपुरी नेशनल पार्क मेरे मित्रों, ये पड़ता है आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश में, ये भी पड़ता है। ये जितने भी नेशनल पार्क हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। भगवान महावीर उद्यान, ये आपको पता ही होगा, इसको हमने एक वीडियो बनाया था पहले, उसमें बताया था। भगवान महावीर उद्यान ये गोवा में पड़ता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वेदांत पक्षी विहार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में मेरे मित्रों। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जितने भी हमने राष्ट्रीय उद्यान लिए हैं, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मित्रों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो एक बार जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे मित्रों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। कावला वन्य जीव अभयारण्य, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मानस टाइगर विहार, ये असम में पड़ता है, बारपेटा जो जहाँ है उस स्थान का नाम है, ये मित्रों असम में पड़ता है। हजारीबाग नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारीबाग झारखंड में पड़ता है मेरे मित्रों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर मध्य प्रदेश में पड़ता है मेरे मित्रों। चंद्रका हाथी विहार, ये आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं इसमें लगभग सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर राजस्थान में पड़ता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे मित्रों। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बिहार, ये 24 परगना, ये जितने भी कोष्टक में हैं वो राज्य के नाम हैं, और जो इसके बगल में स्थान है, जैसे ये हुआ आपका, ये सब यहाँ से यहाँ तक ये स्थान का नाम है मेरे मित्रों। तो सुंदरबन टाइगर विहार, ये 24 परगना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हरिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट, केवला देव घाना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। खग चंदे जेदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पड़ता है मेरे मित्रों। नेक्स्ट, तनसा जीव अभ्यारण्य थाड़े महाराष्ट्र, जिसे हम मुंबई, जिसमें मुंबई काफ़ी प्रचलित शहर है मेरे मित्रों। नेक्स्ट, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा राजस्थान में पड़ता है। ये आपके सामने जितने भी हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे मित्रों एक बार इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में पड़ता है मेरे मित्रों। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर राजस्थान में पड़ता है। देदान देगाई पक्षी विहार तमिलनाडु में पड़ता है मेरे मित्रों। किन्नर शानी अभ्यारण्य खम्मान आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
आपके लिए ये दक्षिगम अभ्यारण वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये जितने अभ्यारण वाले टॉपिक थे ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमने ऐड किया है व्यक्तियों के समाधि स्थल। हम जितने भी ये वीडियो बनाते हैं सभी परीक्षाओं को दृष्टि में रखकर बनाते हैं। यहाँ से सभी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर उठाता है मेरे मित्रों, तो इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हम बिना देरी किए हुए इस टॉपिक पर भी चर्चा करते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल तथा स्थान, महात्मा गांधी राजघाट नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये जो जितने भी महान व्यक्ति हैं इनकी समाधि स्थल और वो स्थल कहाँ पर है, यही टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी हैं सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं मेरे मित्रों, यहाँ से यहाँ तक एक बार इसको ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल नई दिल्ली, मोराजा देसाई अभय घाट अहमदाबाद, चौधरी चरण सिंह किसान घाट नई दिल्ली, शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि नई दिल्ली, राजीव गांधी वीरभूमि नई दिल्ली, जितने भी हैं लगभग 50% तो मेरे मित्र सब नई दिल्ली ही हैं ज़्यादातर। जगजीवन राम समता स्थल नई दिल्ली, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना, भीमराव अम्बेडकर चैत्राभूमि दादर, के आर नारायण उदयभूमि नई दिल्ली यानी जैल सिंह एकता स्थल नई दिल्ली, संजय गांधी शांतिवन नई दिल्ली। के मेरे मित्रों ये जितने भी हैं इनका सब 50% जो है दिल्ली में थे। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं। ये क्या बेहतरीन ट्रिक है, हमने सोचा आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, इसलिए हमने वहाँ से इसको उठाया है। सार्क संगठन में सम्मिलित देश, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो मेरे मित्रों इसलिए हमने इसको लेकर आया है। आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए ट्रिक MBBS पैन। तो इसमें कितने देश शामिल हैं उन्हीं को हमने कलेक्ट किया है। यम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, यस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान और ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। तो ये 8 देश जो है सार्क संगठन में शामिल हैं मेरे मित्रों, 8 देश। मुख्य प्रश्न क्या है मेरे मित्रों, आइए देखते हैं। गेहूँ उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य भारत में, इस पर ये ट्रिक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों। आपके सामने ट्रिक है यूपी बीमार है जी, क्या बेहतरीन ट्रिक है। चलिए, यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, ये क्रम जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करने वालों के, उसके बाद घटते क्रम में है मेरे मित्रों। यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, वी से बिहार, माँ से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, ह से हरियाणा और जी से। तो इस प्रकार ये ट्रिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्रिक है मेरे मित्रों, उत्पादन करने वाले भारत के प्रमुख राज्य, क्या जूट उत्पादन करने वाले, मौज में माँ बाप, क्या बेहतरीन ट्रिक है। एक बार आप देखेंगे तो शायद कभी नहीं बोलेंगे। शुरू करते हैं, ये आपका ट्रिक है क्या, मौज में माँ बाप, क्या शानदार ट्रिक है। एक बार याद करने के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे। जूट पैदा करने वाले राज्यों का ट्रिक है मेरे मित्रों, तो यम से मेघालय, ओ से उड़ीसा, ए से जूट, यम से महाराष्ट्र, ए से असम, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, बी से पश्चिम बंगाल। तो लास्ट ट्रिक आपके सामने आता है मेरे मित्रों। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे मित्रों। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने आ चुका है, बाजरा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य, ट्रिक है रैट पीएम या रात पीएम, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं, बट हमने तो रैट पीएम बताया है। तो रैट पीएम से आपका होता है रा से राजस्थान, टी से तमिलनाडु और पी से पश्चिम बंगाल, एम से महाराष्ट्र। तो आपके सामने ये ट्रिक था बेहतरीन ट्रिक, तो आपको अच्छी लगेगी मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो इस प्रकार हमारी वीडियो संपन्न होती है मेरे मित्रों, अच्छी लगे
अपने कहा जरूर नमस्कार जय हिंद धन्यवाद मेरे दोस्तों।